हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों के बाद हम वापस से यूट्यूब पे आ चुके हैं और कुछ नए वीडियोस के साथ में। तो आज हम बताने वाले हैं कि जब आपकी साइट यानी कि जो ब्लॉगर्स हैं या कोई नया ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा है तो वहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जब एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है उसके बाद में हमें ये एरर शो होता है कि भाई आपका एडसेंस तो अप्रूव हो गया बट इसको अब रिजॉल्व कैसे करें। तो यहाँ पे अर्निंग्स जो हैं वो आपकी रिस्क में रहती हैं, तो इसको अपलोड कैसे किया जाए, इसको एरर को रिजॉल्व कैसे किया जाए, वो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए, जब भी आप लॉगिन करेंगे अपने एडसेंस अकाउंट में तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि भाई ये एरर आपको बता रहा है और ये ad.txt फाइल का एरर है, इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो फर्स्ट आपको क्लिक करना है फिक्स नाउ पे। फिक्स नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे इसके जो डिटेलिंग है, तो डिटेलिंग में यहाँ पर आपको आपका डोमेन दिख जाएगा और बाकी ये create an txt फाइल फॉर साइट वन। तो यहाँ पर देखिए, जो मेरी साइट है वो है sarkarihonaukri.com, वो यहाँ पर है और मेरे को इसी txt फाइल को अपलोड करना है इसी साइट के सर्वर पर। तो कैसे करूँगा, तो यहाँ पर हम पहले तो फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मेरी फाइल डाउनलोड हो गई है। अभी हम इसको ओपन करके और इसको हम पर्टिकुलरली एक फोल्डर जो हमने बनाया हुआ है यहाँ पर देखिए, ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अभी चलते हैं जो आपका होस्टिंग प्रोवाइडर है उसके अकाउंट पर। तो जैसे कि मेरे केस में मेरा है होस्टिंगर से मैंने अपनी होस्टिंग ली हुई है। तो यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट आपको देखिए कुछ इस तरीके का, जब आप लॉगिन करेंगे होस्टिंगर में तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, देखिए एक तो होस्टिंग के थ्रू जा सकते हैं और एक जा सकते हैं अपने डोमेन के थ्रू। तो फर्स्ट हम चलते हैं प्रीमियम जो होस्टिंग है उसी के थ्रू चलते हैं और यहाँ पर करते हैं मैनेज पे क्लिक। तो मैनेज पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर देखिए डैशबोर्ड आएगा, स्टैंडिंग आएगा, प्लगइन्स आएंगे और अदर यूज़ वगैरह। तो बट हमें जो यहाँ पे सेलेक्ट करना है वो करना है हमें फाइल मैनेजर। तो फाइल मैनेजर हमें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते चले जाएंगे तब आपको फाइल्स के अंदर में फाइल मैनेजर दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद में ये आपको एक इंटरफेस देगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस अभी अपलोड हो रहा है। ये देखिए, ये इसका जो इंटरफेस है वो अपलोड हो चुका है और यहाँ पर आपकी आईडी वगैरह जो है वो अपलोड दिख जाएगी आपको। साथ ही में अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको आना है डोमेन्स के अंदर। डोमेन्स में आपका जो डोमेन होगा, यानी कि अगर आपके पास काफ़ी सारे डोमेन है तो एक पर्टिकुलर डोमेन जिसके लिए आपको ads.txt फाइल का एरर आ रहा है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। उसको सेलेक्ट करके डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको पब्लिक _html का मिल जाएगा फोल्डर। फोल्डर में आपको क्या करना है कि जब वो फोल्डर ओपन हो जाए तो अभी हमें इस फाइल को, जो ads.txt फाइल है, उसे हमें यहाँ पर अपलोड करना है। तो अपलोड कैसे करेंगे, अपलोड कैसे करेंगे, हम जाएंगे, ये देखिए राइट हैंड साइड में आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, फाइल्स का मिलेगा, फोल्डर का मिलेगा, सर्च का मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा अपलोड का। तो अपलोड पे आपको क्लिक करना है। अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा भाई फाइल मुझे बताइए, फाइल कौन सी आपको अपलोड करनी है। तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद में जिस फोल्डर में आपने अपनी फाइल को सेव किया है, जैसे कि हमारे केस में हमने यहाँ पर किया था, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देखिए फाइल अपलोड हो जाएगी और यहाँ पर क्लिक करेंगे अपलोड पर, अपलोडिंग कम्प्लीट हो जाएगी। देखिए अभी मेरे केस में हो चुका है 100% और ये अपलोड होगी। तो अभी यहाँ पे आप जब रिफ्रेश हो जाएगा तो आप देखेंगे देखिए ads.txt फाइल ये हमारी यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरीके से आप इस एरर को रिजॉल्व कर सकते हैं और जो आपकी अर्निंग्स को इम्पैक्ट करने वाली चीज़ें हैं उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो इसको आप करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से सीधा से या तो आप कट कर दीजिए, ये आपकी फ़ाइल अपलोड हो चुकी है, या तो आप सीधा इसको अकाउंट को क्लोज कर दीजिए, यहाँ पर आ जाइए और ये आपके होस्टिंगर का जो होम पेज है उसी पे आएगा। अब इसको हम कैसे चेक करें कि हमारी साइट पे ये फाइल अपलोड हो चुकी है, तो आपको क्या करना है, अपना डोमेन का नाम लिखना है। मेरे केस में जो सरकारी हो नौकरी है तो ads.txt डालकर इंटर करना है। तो देखिए यहाँ पर ये मेरा आ जाएगा, तो इसका मतलब कि जो फाइल है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो चुकी है मेरी साइट पर। और इससे 2 से 3 दिन, देखिए गूगल भी कहता है कि 2 से 3 दिन फ्यू डेज लगते हैं, यानी कि 2 से 3 दिन आप मान लीजिए, वैसे तो गूगल का सर्वर बहुत ज़्यादा तेज़ है तो कुछ ही घंटों में कर देता है, बट
आप मैक्सिमम 2 से 3 दिन लेके चलिए, ये आपकी साइट पे अपलोड हो जाएगा। बाकी अगर रिफ़्रेश करके देखते हैं तो हम शायद ये भी अपलोड हो जाए, अभी नहीं हुआ है बट देखते हैं कितने दिन में हो जाएगा, हम भी आपको बताएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आते हैं और इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ वो अच्छी लगती है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में।